राधा दोस्तों, मैं हूं सानी तिवारी और आज टॉपोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं लिंडेल ऑफ स्पेस विद एक थ्योरम भी है जो हम प्रूफ करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, तो लिंडेल ऑफ स्पेस की डेफिनेशन क्या है कि ए टॉपोलॉजिकल स्पेस एच टी इज सेट टू बी लिंडेल ऑफ स्पेस इफ एंड ओनली इफ एवरी टी ओपन कवर ऑफ एक्स, क्या एवरी टी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज अ काउंटेबल सब कवर। इम्पॉर्टेंट क्या है कि एवरी टी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज अ काउंटेबल सब कवर, तो हम बोलेंगे कि एक्स टी लेंड ऑफ स्पेस है। अब ओपन कवर और काउंटेबल सब कवर क्या है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ओपन कवर क्या होता है और सब कवर क्या होता है। अगर आपने आपको नहीं पता है ओपन कवर और सब कवर क्या होता है, मैंने डेफिनेशन विद एग्जाम्पल वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, और बिना उसको देखे आपको ये समझ में भी नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ इन्हीं दोनों का तो काम है कि एवरी टी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज अ काउंटेबल सब कवर, तो हम उस स्पेस को बोल देंगे लिंडेल ऑफ स्पेस। इट फॉलोज दैट कि अगर काउंटेबल सब कवर होगा तो ये कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन होती है कि क्या एवरी कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट फॉलोज दैट एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस इज लिंडेल ऑफ स्पेस, है ना। अगर काउंटेबल सब कवर होगा तो वो कंपैक्ट स्पेस की डेफिनेशन से एवरी कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर, तो इसका मतलब है कि कंपैक्ट स्पेस लिंडेल ऑफ स्पेस में आएगा। बट लिंडेल ऑफ स्पेस में अब फाइनाइट सब कवर जरूरी थोड़ी ना कि फाइनाइट सब कवर ही होंगे, इसलिए व्हाट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। अब कन्वर्ज ट्रू नहीं होता उसके लिए एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हम मतलब इसके लिए एग्जाम्पल है कि जो काउंटर एग्जाम्पल है वो है क्या कि एक्स डी कोई लिंडेल ऑफ स्पेस है और अगर एक्स हमने इनफाइनाइट ले लिया तो वो कॉम्पैक्ट स्पेस में नहीं आएगा। तो ये कन्वर्जली ट्रू हो गया कि मतलब कन्वर्जली नॉट ट्रू है कि अगर कॉम्पैक्ट स्पेस है तो वो लिंडेल ऑफ स्पेस होगा, बट लिंडेल ऑफ स्पेस है तो इट नॉट ट्रू कि कॉम्पैक्ट होगा। ये उसके लिए एग्जांपल है, ठीक है। अब हम एक थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं कि एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज लिंडेल ऑफ स्पेस। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज लिंडेल ऑफ स्पेस, एनी सेकेंड काउंटेबल स्पेस है वो लिंडेल ऑफ स्पेस होगा, हमें ये शो करना है, ठीक है। तो लेट हमें सेकेंड काउंटेबल दिया है तो एक्स टी वी आर सेकेंड काउंटेबल स्पेस, राइट। अब अगर आपने सेकेंड काउंटेबल क्या होता है नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियोस को देख लीजिएगा जल्दी से। सेकेंड काउंटेबल फर्स्ट काउंटेबल मैंने दोनों की डेफिनेशन दे रखी है। सेकेंड काउंटेबल की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर सेकेंड काउंटेबल है तो उसमें एक काउंटेबल बेस होगा। तो अब हमें दिया ही है कि सेकेंड काउंटेबल है उसको हमें लिंडेल ऑफ दिखाना है, तो सेकेंड काउंटेबल है यानी उसमें काउंटेबल बेस होगा। लेट वी इज अ काउंटेबल बेस, ठीक है। अब बेस किसके लिए होता है, फॉर टी। तो इतना तो हो गया कि सेकेंड काउंटेबल है तो उसमें बेस होगा और फर्स्ट काउंटेबल होता है तो उसमें लोकल बेस होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप डेफिनेशंस देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड काउंटेबल था हमने और तो सेकंड काउंटेबल लिया है तो उसमें काउंटेबल बेस है, हो गया। अब हमें दिखाना है कि लिंडेल ऑफ स्पेस है। लिंडेल ऑफ स्पेस अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि एवरी टी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज अ फाइनाइट सब कवर, काउंटेबल सब कवर, राइट। एवरी टी ओपन कवर हैज अ काउंटेबल सब कवर, ठीक है। तो यानी हमें ओपन कवर की जरूरत है जिसको अगर हमें लिंडेल ऑफ स्पेस दिखाना है। तो हमने लेट या सपोज दैट कि सी इज अ ओपन कवर ऑफ एक्स, ठीक है। अब ओपन कवर है तो टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, एक्स टी इज अ लिंडेल ऑफ स्पेस, एक्स टी को लिंडेल ऑफ स्पेस दिखाना है। वी हैव टू शो दैट, हमें क्या दिखाना होगा, सी हैज अ काउंटेबल सब कवर। अब कहोगे ये क्यों, क्योंकि ये हमने डेफिनेशन से लिया है, लिंडेल ऑफ स्पेस की डेफिनेशन थी कि एवरी टी ओपन कवर हैज अ काउंटेबल सब कवर। तो हमने ओपन कवर लिया, अब हम दिखा रहे हैं कि वो उसके पास क्या है, काउंटेबल सब कवर है, तो वो लिंडेल ऑफ स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं कि काउंटेबल सेकेंड काउंटेबल स्पेस है उसमें काउंटेबल बेस होगा। ये हमने बस सपोज किया है कि सी को एक ओपन कवर है
तो अब हम बस ये दिखा दें कि सी हैज अ काउंटेबल सब कवर, तो प्रूफ हो जाएगा सेकंड काउंटेबल स्पेस लिंडल ऑफ स्पेस है। हाँ तो आगे क्या है कि लेट डी, हमने डी लिया है कैसा, विद द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज मेंबर्स ऑफ वी, वी क्या था काउंटेबल बेस था, डी के ऐसे मेंबर्स का हमने कलेक्शन लिया है विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग मेंबर्स ऑफ सी। अब सी क्या लिया था हमने, ओपन कवर सपोज किया था कि सी ओपन कवर है एक्स के लिए, तो हमने क्या किया है वी के ऐसे मेंबर लिए डी में जो कि सी के मेंबर को एक्सप्रेस करता है कैसे, एज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ वी, जो सी के मेंबर्स हैं वो कैसे सी में जो मेंबर है उनको कैसे एक्सप्रेस करता है एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ वी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डी हमने ऐसे वी के मेंबर्स ऐसे डी में डाले जो कि सी के मेंबर्स को यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ वी एक्सप्रेस करते हैं। देन डी इज काउंटेबल। अब हमने डी को काउंटेबल कैसे बोल दिया, क्योंकि हमने वी क्या लिया था काउंटेबल बेस लिया था, तो जो डी में मेंबर्स है वो क्या है वी से ही तो है इसलिए डी काउंटेबल है। सो हेंस डी इज अ काउंटेबल ओपन कवर ऑफ एक्स, ठीक है काउंटेबल था अब ओपन कवर भी होगा क्योंकि एज ए सी के मेंबर्स को वो कैसे दिखा रहा है एज ए यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ वी, ठीक है। फॉर ईच हमने ओपन कवर कैसे बोल दिया, फॉर ईच हमने जो डी आईज लिए थे जो बिलोंग करते हैं डी में एंड सी आई बिलोंग करते हैं सी में, सच डैट कि जो डी आई है वो बिलोंग करें सी आई में, इसी तरह तो है कि सी के प्रत्येक मेंबर को कैसे दिखा रहा है एज ए यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ वी। मेंबर ऑफ सी जो हमने सी के मेंबर है वो क्या है इज यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ डी, राइट इसी तरह तो लिया मेंबर की जो सी के मेंबर्स को एक्सप्रेस करता है एज ए यूनियन ऑफ, ठीक है। तो अब इससे क्या फॉलो होता है, इट फॉलोज कलेक्शन ऑफ सी आईज इज एन ओपन कवर ऑफ एक्स। अब क्या हुआ कि हमने क्या सिंस मेंबर ऑफ सी इज अ यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ डी और हम डी को दिखा चुके हैं कि कैसा है काउंटेबल ओपन कवर है एक्स का और सी के जो मेंबर है वो भी कैसे यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ डी है, तो इट फॉलोज कि जो सी में सी आईज है वो भी ओपन कवर का वर्क करेंगे फॉर एक्स, ठीक है एक्स के लिए क्या है ओपन कवर है। अब बाई डेफिनेशन ऑफ सब कवर कि एवरी ओपन कवर अगर मतलब ए ओपन कवर इज अ सबसेट ऑफ अनदर कवर तो हम बोलते हैं वो सब कवर है, ठीक है। तो इसमें भी तो यही हुआ कि हमें डी भी हमें ओपन कवर मिला सी भी ओपन कवर मिला और जो डी के एलिमेंट्स थे वो इस तरह से हैं, राइट इसका मतलब क्या हुआ कि सी हैज अ सब कवर, राइट हेंस सी हैज काउंटेबल सब कवर। अब ये कैसे काउंटेबल हम डी को पहले ही दिखा चुके हैं, अब ये सब कवर क्यों हो गया क्योंकि डी ओपन कवर है और वो सबसेट है सी का, तो वो कैसा हो गया सब कवर हो गया। इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि सी हैज काउंटेबल सब कवर और हमने सी को ओपन कवर दिखाया था, अब हमने दिखा दिया कि सी हैज अ काउंटेबल सब कवर। नाउ वी कैन सो दैट कि एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज अ लिंडल ऑफ स्पेस, क्योंकि बाय डेफिनेशन एवरी टी ओपन कवर हैज अ काउंटेबल सब कवर, हमने सी को ओपन कवर माना था अब उसमें अब हमने ये शो कर दिया कि हैज अ काउंटेबल सब कवर, हेंस एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस second countable space is a Lindel of space, right? आई होप आपको थ्योरम समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और टॉपोलॉजी के ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।